पंत का टिम डेविड के खिलाफ डीआरएस ना लेना प्लेऑफ से बाहर होने का कारण बन गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये मैच था उस सिचुएशन में वो लेना चाहिए था अगर थोड़ा भी डाउट था, क्योंकि आपको पता है कि टिम डेविड ही ऐसा बल्लेबाज है जो उस सिचुएशन से आपको गेम से बाहर कर सकता था। बुमराह का शॉ को फेंका बाउंसर टूर्नामेंट का बेस्ट बॉल था, वन ऑफ द बेस्ट था, पर मेरे लिए बेस्ट था जो उन्होंने नीतीश राणा को डाला था बाउंसर। टिम डेविड मौजूदा समय में दुनिया के सबसे क्लीन हिटर हैं। वन ऑफ द क्लीन हिटर्स में से है टिम डेविड, बिल्कुल है। ईशान किशन के विकेट ने दिल्ली को मैच में वापस ला दिया था। बिल्कुल, देखिए मैच में वापस ला दिया था और उसी ओवर में एक और, अगर आप एक ओवर में दो आउट कर देते हैं, दोनों सेट बल्लेबाज आउट कर देते हैं, तो काफी हद तक आप रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो ईशान किशन का विकेट बड़ा विकेट था। प्रतिभा के धनी सरफराज खान ने एक और सीजन बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इतना इस बार उन्हें मौका नहीं मिला, जितना भी मौका मिला उन्होंने वो छोटी पारियां खेली, बट एक सीजन आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा मौका नहीं मिला, एक कंटिन्यू रन नहीं मिला। पावर प्ले में 3 विकेट गिरना दिल्ली को महंगा पड़ गया। जी बिल्कुल महंगा पड़ गया, क्योंकि जब आप पावर प्ले में 3 विकेट खो देते हैं ना, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर होता है वो वैसे खुल के बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। पंत के खिलाफ ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद डालना रमनदीप का स्मार्ट मूव था। हाँ बिल्कुल, एक प्लानिंग के तहत उन्होंने गेंदबाजी करी और भले ही उस ओवर में काफी रन खाए थे, लेकिन अंत में उन्होंने फंसाया ऋषभ पंत को और वो बड़ा विकेट था।